बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ़ कंप्यूटर डिपार्टमेंट, सुपीरियर कॉलेज पतो की। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी को। स्टूडेंट्स, ये डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या होता है? ये विंडोज़ जो है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका एक फीचर है जिसकी मदद से हम लोग एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है उसको यूज़ करते हुए हम डिस्क की परफॉर्मेंस, डिस्क का स्टेटस, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है या डिस्क ड्राइव सीडी होती है, उसके स्टेटस को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी मेमोरी को, उसके साइज़ को, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम चेक कर सकते हैं या उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी प्रोवाइड अ ग्राफिकल इंटरफेस। ये ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है फॉर द यूज़र, यूज़र के लिए टू व्यू एंड परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन ऑल हार्ड ड्राइव एंड सीडी ड्राइव्स। मीन के पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव या सीडी ड्राइव्स हैं, इनको हम लोग व्यू कर सकते हैं या इसकी मेंटेनेंस को परफॉर्म कर सकते हैं। द यूज़र कैन चेक द स्टेटस ऑफ दीज हार्ड ड्राइव्स। यूज़र इन हार्ड ड्राइव्स का जो स्टेटस होता है उसको भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस से मुराद यही है कि हम हार्ड डिस्क को व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कितना डेटा स्टोर है, कितनी स्पेस हमारे पास फ्री है, कितनी हमारे पास जो है जो अलोकेट हो चुकी है या यूज हो चुकी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। द यूज़र कैन फाइंड द साइज़ ऑफ ड्राइव। यूज़र जो है ड्राइव्स के साइज़ को फाइंड कर सकते हैं। मीन के टोटल जो है हार्ड ड्राइव का साइज़ कितना है या उसकी आगे जो सब पार्टीशंस हुई हैं उसकी पार्टीशंस के अंदर जो हमने ड्राइव्स क्रिएट की हैं, सी डी ई एफ जी वगैरह, उनका साइज़ कितना है उसको भी यूज़र चेक कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट आल्सो इंडिकेट्स द ड्राइव्स दैट कंटेन द सिस्टम पार्टीशंस। इसमें वो ड्राइव्स भी नज़र आ रही होती हैं, वो भी इसमें शामिल होती हैं जो कि हम सिस्टम पार्टीशन के वक्त जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ की जो हार्ड डिस्क होती है उसको लॉजिकली हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम पार्टीशन। तो सिस्टम पार्टीशंस की जो ड्राइव्स होती हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। यस, जैसे यहाँ पर देखें एक तस्वीर लगी हुई है, डायग्राम, इसमें ये तस्वीर है डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी की। इसके अंदर हमें सारी की सारी, ये डेस्कटॉप है, फोल्डर है, डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, ये डाउनलोड्स का फोल्डर है, माई म्यूज़िक प्रो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। यहाँ पर देखें, ये है डिस्क, जैसे ये ओवरऑल जो हमारी ड्राइव्स हैं, जैसे डिवाइसेस एंड ड्राइव्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारी ड्राइव्स हैं। तो ये पांच हमारे पास ड्राइव्स हैं जिसमें से चार जो है हार्ड डिस्क की पार्टीशंस हैं और एक जो ड्राइव है वो सीडी ड्राइव है। अब ये चारों जो हैं इनका टोटल साइज़ कितना है ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है इनके सामने, और जो इनके अंदर फ्री स्पेस है वो भी यहाँ पर देखें नज़र आ रही। फ़र्ज़ किया यहाँ पर देखें लोकल डिस्क सी है, तो सी ये लोकल डिस्क है, इसका टोटल साइज़ देखें 67.5 है और इसकी आगे जो फ्री स्पेस कितनी है 38.2 गीगाबाइट्स जो है इसकी फ्री स्पेस है। इसी तरह लोकल डिस्क डी ड्राइव है, इसकी भी स्पेस हम टोटल देखेंगे तो 146 गीगाबाइट है और इसकी जो फ्री स्पेस है 52.4 गीगाबाइट्स इसकी फ्री है। यहाँ पर ये सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव है, आरडब्ल्यू ड्राइव जिसके ऊपर एफ लिखा हुआ है, ये सीडी है। ये हम जब इंसर्ट करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, सीडी ड्राइव के अंदर, तो जैसे ही ये कंप्यूटर के अंदर वो रन होना शुरू हो जाएगी इंसर्ट करने के बाद, यहाँ पर वो सीडी का सिंबल अपीयर हो जाता है और हमें उसका साइज़ जो है यहाँ पर टोटल साइज़ और उसका फ्री साइज़ भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये अभी ब्लैंक है, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, जो कि डिस्क की मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए, मेंटेनेंस को परफॉर्म करने के लिए, डिस्क के स्टेटस को चेक करने के लिए, डिस्क के साइज़ को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये किसके अंदर होता है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। इन दोनों में डिफरेंस, कुछ बच्चों को इनका डिफरेंस क्लियर नहीं होता। मल्टी टास्किंग से मुराद है एक ही वक्त में एक से ज़्यादा टास्क जो होते हैं एक ही कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। मीन के एक ही कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा टास्क या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स का कंप्यूटर के अंदर चलना, उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग। तो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा टास्क को चला रहा होता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को चला रहा होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन बी एग्जीक्यूट
मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को चलाता है, उनको सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन सपोर्ट सिंगल यूज़र एट वन टाइम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये एक ही वक्त में एक यूज़र को सपोर्ट करता है, मीन कि एक यूज़र होगा और वो एक से ज़्यादा काम करवा रहा होता होगा। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक ही यूज़र जो है वो एक ही वक्त में इंटरनेट से फाइल को भी डाउनलोड कर रहा है, म्यूज़िक भी सुन रहा है, और साथ साथ में वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर जाके वो कोई जो है डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर रहा है, कोई नोट्स वगैरह, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह भी राइट कर रहा है। तो मीन के एक ही यूज़र एक वक्त में तीन प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है। तो उन तीनों प्रोग्राम्स को चलने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट द यूज़ ऑफ सिंगल प्रोसेसर। इसके अंदर एक ही प्रोसेसर लगा होता है जो कि एक से ज़्यादा काम करवा रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल्स में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हमने पढ़े थे। तो ये विंडोज़ 2000 जो है ये भी मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद है नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं और वो एक ही टास्क के ऊपर भी काम कर सकते हैं या एक से ज़्यादा टास्क के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मीन कि अगर एक ही टास्क है तो एक से ज़्यादा जो प्रोसेसर्स हैं उस टास्क को वो डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, और बांटने के बाद वो सारे जो जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद दोबारा से एक प्रोसेसर उनका होता है मेन प्रोसेसर, वो क्या करता है उन सबको हैंडल कर रहा होता है, और वो जितने भी डिवाइडेड टास्क होते हैं उनको दोबारा से कंबाइन करके उसको आउटपुट की सूरत में प्रोवाइड करता है यूज़र को, और आउटपुट डिवाइसेस के पास भेज देता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स टू आर मोर प्रोसेसर्स रनिंग प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को जो है वो सपोर्ट करता है कंप्यूटर के अंदर, के आप जो एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स अटैच करके कंप्यूटर के अंदर उनको चला सकते हैं, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोसेसर्स, ये मल्टीपल प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोसेसर्स एज वन टाइम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मीन के अगर आपने मुख्तलिफ चार मुख्तलिफ काम करवाने हैं तो चार प्रोसेसर से लगे हुए हैं, चारों क्या करेंगे एक एक टास्क को डिवाइड कर लेते हैं और अपने अपने टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी टास्किंग भी हैं और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं। मल्टी प्रोसेसर से मुराद ये पहले ड्यूअल कोर होते थे जिसमें दो प्रोसेसर्स लगे होते थे, फिर जो है वो क्वाड कोर आ गए जिसमें चार प्रोसेसर्स एक ही वक्त में सिमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं। आजकल ज़्यादातर जो है ऑक्टा कोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आ गए हैं जो आठ और प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं, मीन के उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप एक जब टास्क देते हैं तो वो आठों प्रोसेसर्स जो होते हैं, आठ के आठ प्रोसेसर्स, वो उस टास्क को डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद विद इन नैनो सेकंड्स वो उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद कंप्लीट कर लेते हैं। इससे क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग से कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है, जो काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, जहां एक काम को एक प्रोसेसर ने करना है अब उसी काम को एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, मीन कि अगर ड्यूअल कोर है तो दो प्रोसेसर्स हैं, क्वाड कोर है तो चार प्रोसेसर हैं, ऑक्टा कोर है तो उसमें आठ प्रोसेसर्स हैं, तो वो क्या करेंगे उस टास्क को डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद आसानी से अपना अपना जो पार्ट है, जो उनके हिस्से में अपना अपना काम आता है, उसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, आज हमने चैप्टर नंबर 7 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर था। इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स के अंदर। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आप लोगों को जो है कुछ हद तक समझ आ गया होगा।